जिन्हां दियां नीयतां अच्छियां राम मिलदे उन्हां नूं 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 जिन्हां दियां नीयतां अच्छियां राम मिलदे उन्हां नूं। बहुत बहुत धन्यवाद माला, बहुत सुंदर राम कृपा। कल आप जी से अर्ज की जा रही थी, सुग्रीव एक साधक है, बाली अभिमान आध्यात्मिक दृष्टि से सुग्रीव साधक वृत्ति है और बाली अभिमान वृत्ति है। साधक बेचारा पिसता है अभिमान से नित, अभिमान मारता है पीटता है। साधक नित हारता रहता है, बहुत बलवान है अभिमान। हनुमान जी महाराज साधक की मित्रता, साधक का संबंध संत, हनुमान जी महाराज कौन? संत गुरु महाराज। साधक का संबंध परमात्मा से करवा देते हैं, साधक अब रामाश्रित हो जाता है। यदि ये रामाश्रय साधक के लिए अभिमान का कारण बन जाए, दर्प का कारण बन जाए, घमंड का कारण बन जाए, तो संत महात्मा कहते हैं फिर सुग्रीव और बाली में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों एक से हो जाते हैं। अतएव राम के लिए बड़ी कठिनाई पैदा होती है, किसको तीर मारूं। ऐसा ही हुआ, जब राम कहते हैं कि मैं पहचान नहीं सका, स्पष्ट है सुग्रीव के अंदर वही बाली की वृत्ति, अभिमान की वृत्ति आ गई हुई थी जिसका बाली प्रतीक है। दोनों ही बाली दिखाई दे रहे थे, मैं मारता किसे। बहरहाल साधक सुनू, अभिमान जब भी मरेगा परमात्मा द्वारा ही मरेगा। स्वयं साधक तो पिटता रहता है अभिमान से, हारता रहता है। यदि यूं कहिएगा कि साधक जीतता हुआ दिखाई देता है, तो एक ही ऐसी स्थिति है जब साधक शरणागत हो जाता है, जैसा सुग्रीव हो गया। सुग्रीव के गले में जब उन्होंने माला डलवा दी, मानो मैं तुम्हें अब शरणागत स्वीकार करता हूं। कल तो प्रभु राम सुग्रीव के शरण में गए थे, आज सुग्रीव को अपना शरणागत स्वीकार कर लिया है, माला डाल दी गले में, मैं तुम्हें अपना शरणागत स्वीकार करता हूं।
अब ना मेरे सामने अभिमान टिक सकेगा ना कोई विकार टिक सकेगा। अब तू मेरा है, गंदा है, मंदा है, कैसा भी है, कुटिल है, कुकर्मी है, अभिमानी है, दंभी है, कपटी है, ये सब कुछ मैं नहीं देखता। एक दफा व्यक्ति शरणागत हो जाता है, समर्पित हो जाता है, जैसा कि अब सुग्रीव हो गया, तो फिर उसकी जीत निश्चित है, उसकी सफलता निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं। अतएव हम साधकों की बुद्धिमता इसी में ही है, भक्ति की उस पराकाष्ठा को प्राप्त करें जिसे शरणागति कहा जाता है। सब कुछ तू है परमात्मा, मैं कुछ नहीं। सब कुछ तेरा है परमात्मा, मेरा कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ तू कर्ण करावन हार है स्वामी, इसी को शरणागति कहा जाता है। अभिमानी व्यक्ति साधक शुरू प्रदर्शनवादी भी होता है। बाली रावण को कई महीनों तक अपनी बगल में दबा के घूमता रहा, बाहर नहीं निकाला उसे, ताकि लोग ये देखें कि मैं कितना बलवान हूं कि रावण जैसे को भी मैं अपनी बगल में दबा के रख सकता हूं। जो अभिमानी होगा देवी, उसमें प्रदर्शन ना हो ये कभी हो नहीं सकता। ये अभिमान कहां कहां हमें मारता है, कैसा भूरूपिया है ये अभिमान, किस प्रकार से हमें दबोच के रखता है, दबा के रखता है, हमें एक पग इधर उधर खिसकने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। वह प्रदर्शनवादी भी होगा, उसका हर वक्त इच्छा रहेगी कि मुझे अधिक से अधिक लोग जाने, विशेष बनने की इच्छा, विशिष्ट बनने की इच्छा, इसलिए वह प्रदर्शन कर रहा है। कपटी भी होगा, जो भीतर है वह बाहर नहीं दिखाता, तो उसी को कपट कहा जाता है। भीतर से भिन्न है, बाहर कुछ अपने आप को दिखा रहा है, इसी को कपट दंभ कहा जाता है। अभिमानी ऐसा भी होगा, दुकान पर बैठे तो दुकानदार, यहां पर आए तो महाभक्त, ये कपट, ये अभिमान समझिएगा, किसी ना किसी ढंग से हमें दबोचे हुए है। वह अपना काम कर रहा है, हम यहां मात्र आने से अभिमान से शून्य या रहित नहीं हो जाते, बहुत कुछ करना पड़ता है साधक जनों, बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, नित्य प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, प्रार्थना नहीं प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, मुझे अपना स्वीकार कर ले, किसी पर रहमत करके, किसी पर कृपा करके यदि परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है, तो फिर वही बेटा निर्अभिमान्य हो सकेगा, दूसरा कोई नहीं। ये कपट, ये दंभ, ये सब चीजें बनी रहेंगी। अभिमानी की वाणी और व्यवहार में नम्रता नहीं हो सकती, छल हो सकता है। वह नम्र है नहीं, लेकिन अपने आप को नम्र दिखा रहा है। ये अभिमान मेरी माता और सज्जनों किस किस प्रकार से हमें रगड़ता है। कुछ देर के लिए आप ये छल दूसरों के साथ कर सकोगे, लेकिन एक ना एक दिन असलियत, वास्तविकता प्रकट होकर रहेगी। आप मिस्टर वो हो नहीं जो आप अपने आप को दिखा रहे हो। उनके शब्दों में, उनकी वाणी में कंट्रोल नहीं होता। इन शब्दों का प्रेरक राम नहीं है, इन शब्दों का प्रेरक काम है,
इन शब्दों का प्रेरक अभिमान है, अतएव अभिमानी की वाणी पर नियंत्रण नहीं हुआ करता। ऐसे ऐसे शब्द अभिमानी बोल देता है, आदमी निगमबोध घाट पहुंच जाता है, लेकिन उसका दिया हुआ जख्म नहीं भरता। आप उसके बाद सॉरी कहो, आप उसके बाद कहो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है? जो आपने पीला देने वाला घाव उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया, वह घाव तो सारी जिंदगी भर नहीं भरने वाला। अभिमानी के शब्दों में इतनी कटुता हुआ करती है, इतनी कड़वाहट, इतनी पीड़ा देने वाली दवाई उसके अंदर हुआ करती है। दवाई क्या है? अभिमान इटसेल्फ। मानो अभिमानी दूसरे को भी अभिमानी का टीका लगा देता है, एक अभिमानी दूसरे को भी अभिमानी बनने के लिए प्रेरणा देता है। परमात्मा बचाना इसे। कितनी सारी बातें साधक जनों इस अभिमान के साथ जुड़ी हैं। लाख लाख शुक्र है परमात्मा, तूने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है, इस इंसान को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया तो इतना अपने आप को समझता है, यदि तूने इसे कुछ दे दिया होता तो ये तुझे भी कहा जाता। ये इंसान कैसा बनाया है तूने? साधकजनों कहते हैं, संत महात्मा बहुत विश्लेषण के बाद परमेश्वर ने 1% स्वतंत्रता हमें दी है, 99% अपने हाथ में रखी हुई है। उस 1% में ही इंसान क्या 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 कर देता है। यदि 100% स्वतंत्रता दी हो तो सफलता असफलता परमेश्वर ने अपने हाथ रखी हुई है। दोनों एक से संघर्ष करने वाले, दोनों एक से मेहनत करने वाले यदि दो हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा। जीतेगा कौन हारेगा कौन, ये फैसला परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है, इसका कंट्रोल परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इंसान को नहीं दिया, संसार को नहीं दिया, तो संघर्ष कर। जो मैंने करना है वह मैं करके रहूंगा। मैं तो इसमें भी परमात्मा की बहुत रहमत मानता हूं। तेरा लाख लाख शुक्र है परमात्मा, ये तूने अपने ही हाथ में रखा है। हम माने न माने अभिमान के कारण वह हमारी बुद्धि है, लेकिन सत्य तो यह है। आखिर साधक चुनो, परमेश्वर अन्यायी तो नहीं है, अत्याचारी भी नहीं है, उसकी करनी में कोई त्रुटि पक्षपात इत्यादि भी नहीं है। इन बातों को वही जान सकेगा जिसने साधना करके तो ऐसी स्तर को प्राप्त कर लिया हुआ है, जो सही बात को, जो परमात्मा के अंदर की बात है, उसे जान सके, समझ सके। हर एक तो नहीं। क्यों आपको सफलता देता है, क्यों इनको हरा देता है, ऐसे नहीं है बिना वजह। दोनों दंगल में कुश्ती कर रहे हैं, बिल्कुल एक तरह के ताकतवर। आपने कल रात देखा, किसी तरफ से कोई कसर नहीं थी,
लेकिन हुआ तो वही जो राम चाहता है। क्यों ऐसा चाहता है साधक जनों? बड़ी सुंदर उदाहरण के साथ कल करेंगे चर्चा इसकी, आज यही समाप्त करने की इजाजत है दीजिएगा। कभी भूल से भी ऐसी भूल ना हो, परमात्मा तेरी करने में, तेरी सोच में, तेरी वाणी में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, गलती है, अन्याय है ना। यही समझना, यदि मेरी बुद्धि ऐसी सोच रही है तो अभी साधना की और आवश्यकता है। धन्यवाद।